योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का वायरल हो रहा कथित ऑडियो। दो लोगों के बीच हो रही है गुप्त बातचीत। कथित ऑडियो में मंत्री स्वाति सिंह कहती हैं, उसे पता चला तो उन्हें पीटा जाएगा। स्वाति सिंह योगी सरकार में बहुत बड़ी मंत्री हैं। प्यार में पढ़कर स्वाति सिंह ने दया शंकर सिंह से शादी कर ली थी, लेकिन समय समय पर इस रिश्ते की बुनियाद हिलती रही। पति दया शंकर सिंह की वजह से ही स्वाति राजनीति में आई थी, लेकिन अब इसी राजनीति के लिए पति और पत्नी में सियासी जंग शुरू हो चुकी है। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसने यूपी की सियासत में तहलका मचा दिया है। शायद ऐसा पहली बार यूपी के इतिहास में होने जा रहा है जब एक ही पार्टी के दो बड़े कद्दावर नेता, जो कि पति पत्नी भी हैं, विधानसभा सीट के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। जाहिर है टिकट किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन जिसे अपना टिकट कटने का डर है, उसके समर्थकों ने कथित रूप से करीब 2.5 साल पुराना ऑडियो टेप वायरल कर दिया है। वायरल ऑडियो में स्वाति सिंह एक ऐसे शख्स से बात कर रही हैं जो उनके पति दया शंकर सिंह की शिकायत कर रहा है। इस दौरान स्वाति सिंह कहती हैं कि उनके बीच बातचीत का दया शंकर सिंह को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उन्हें पीटा जाएगा। ऑडियो वायरल होने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या योगी सरकार की महिला कल्याण मंत्री भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं? स्वाति सिंह और उनके पति दया शंकर सिंह के बीच लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट के लिए जंग छिड़ी है। इसी सीट से स्वाति सिंह विधायक हैं, लेकिन इस बार दया शंकर सिंह भी यहीं से टिकट मांग रहे हैं। लव मैरिज करने वाले दया शंकर और स्वाति के बीच रिश्ते लंबे समय से खराब चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 में स्वाति सिंह ने पति दया शंकर के खिलाफ मारपीट के एफआईआर भी दर्ज कराई थी। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले दया शंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में लखनऊ में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने दया शंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इसके बाद स्वाति सिंह मैदान में आ गई थी और मायावती सहित बसपा के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया था। स्वाति सिंह के इस कड़े रवैये की वजह से बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता दिखा था, जिसके बाद बीजेपी ने स्वाति सिंह को यहाँ से टिकट दिया और स्वाति सिंह चुनाव जीत भी गई। इसके बाद योगी सरकार में स्वाति सिंह को मंत्री भी बना दिया गया। अब लौटते हैं वायरल ऑडियो टेप पर, क्योंकि इस पूरी कहानी में ऑडियो टेप को सार्वजनिक करने वाले तीसरे किरदार का रोल भी अहम हो गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह कथित वायरल ऑडियो में जिस व्यक्ति से बात कर रही हैं, उसका नाम सुदर्श अवस्थी है। सुदर्श अवस्थी ने एबीपी न्यूज से कहा है कि स्वाति सिंह के साथ उनकी ये बातचीत जुलाई 2019 में हुई है। सुदर्श ने ये भी स्वीकारा है कि इस ऑडियो को उन्होंने ही वायरल किया है। इसके साथ ही सुदर्श अवस्थी का कहना है कि उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है। स्वाति सिंह और दया शंकर सिंह की इस पारिवारिक लड़ाई को अगर बीजेपी समय रहते शांत नहीं कर पाती है तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाता जा रहा है। वैसे योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दया शंकर सिंह के बीच की इस लड़ाई को लेकर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।